मी वैष्णवी. आपण पाहतात इंडियन टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे. तर आता नजर टाकूयाच्या काही विशेष घडामोडींवर. आज बकरी ईद. मुस्लिम धर्मियात या दिवसाला फारच महत्त्वाचं स्थान आहे. हा दिवस कुर्बानीचा दिवस म्हणून ओळखला जातो. कल्याण येथील ख्यातनाम अब्दुल बाबा यांनी या दिवसाचे महात्म्य सांगत बकरी ईद विषयी सविस्तर माहिती दिली. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आप सब तमाम शहरवासियों को ईद उल अज़हा, बकरीद का जो त्यौहार है इसे ईद उल अज़हा कहते हैं. मुसलमानों में दो बड़ी ईद मनाई जाती है, एक ईद उल फ़ित्र जो रमज़ान का एक महीना गुजार करके ईद आती है, कुछ लोग उसे मीठी ईद कहते हैं, और ये बकरीद कहते हैं. तो बकरीद का सिलसिला हज़ारों साल पहले हम सबके पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह एक पैगंबर थे जिनका नाम इब्राहिम था, खलीलुल्लाह उनको लकब है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद थी, आपकी दो औलाद थी, एक का नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक का नाम इसहाक अलैहिस्सलाम. तो आपके जो बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उनकी कुर्बानी करने के लिए निकले थे. अल्लाह ताला उनको ख्वाब के ज़रिए हुक्म दे रहे थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि आप अल्लाह की राह में कोई ऐसी चीज़ पेश करो, कुर्बानी अता करो जिससे अल्लाह खुश हो जाए. तो आपने काफ़ी सोच विचार की, आपके पास जो माल दौलत थी, ऊँट बकरियाँ वो दौर में आपके पास जो भी थी, सबके मुकाबले में आपने पाया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके सबसे ज़्यादा करीब है और वही अल्लाह की राह में सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है. तो आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए घर से जब निकले तो ये बात इस्माइल अलैहिस्सलाम को बता दी गई कि अल्लाह ताला सबसे पसंदीदा चीज़ की कुर्बानी चाहता है. ये बात जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटे को बताई, बेटे भी खुशी खुशी तैयार हो गए कि अल्लाह तो मेरी कुर्बानी पसंद कर ले, मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले. इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह भी कहते कि आप अल्लाह की राह के लिए दोनों बाप बेटे निकले. बीच में ये बहुत बड़ा वाक़या है, मैं मुख्तसर सा बताता हूँ. कुछ शैतानी वसवसे आए जो भड़काया गया कि कोई बेटे को कुर्बान नहीं कर सकता, कोई ये नहीं ऐसा, मगर इब्राहिम जो थे वो अल्लाह के खलील थे, अल्लाह की हर बात पे वो खुश थे. तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के जब मक्का की वादियों में गए और वहाँ पे आप उनको कुर्बान करने के लिए जैसे ही ज़मीन पर लिटाया, छुरी धार की, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने देखा कि बाप के आँखों में मोहब्बत नज़र आई. तो आपने कहा है अब्बा, ऐ मेरे वालिद, कि मुझे नहीं लगता कि आपके हाथ जो है वो कांपेंगे, चमड़ी मेरे गले पर छुरी नहीं चला पाएंगे, इसलिए बेहतर है कि आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो और मुझे भी मेरी भी आंखों पे मंगता तो पट्टी बांध लो, ताकि अल्लाह की राह में हम लोग अगर लुटाने जा रहे हैं, अल्लाह का हुक्म मानने जा रहे हैं, अपनी जान देने जा रहे हैं, तो किसी की मोहब्बत आड़े ना आए. ये अदा अल्लाह को बहुत पसंद आई. अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक हम सब माओं पे, बहनों पर, मर्द औरतों पर एहसान किया कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम खलीलुल्लाह की ये कुर्बानी को पसंद की और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा. दुम्बा एक बकरे की शक्ल का एक जानवर है, कभी कुछ लोग उसको मेंढा जैसा समझते हैं, मगर दुम्बा एक जात है. वो आसमान से, जन्नत से अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के ज़रिए भेजे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हटा कर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ही इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए छुरी घुमाई, उसी वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ से हटा के वो मेंढे को, वो दुम्बे को उस जगह पे ज़बह कर दिया गया. जब दोनों ने आँख खोल के देखे तो दोनों मौजूद थे सही सलामत, और उस जगह पर दुम्बा था. तो इसी तरह से वो सिलसिला हज़ारों सालों से चल रहा है. ये बहुत बड़ा वाक़या हमने मुख्तसर सा बताया, इसीलिए
ये बकरी ईद का त्यौहार मनाया जाता है और पूरी दुनिया के मुसलमान इसी दिन हज भी करते हैं। जो हज होता है यही महीने में होता है ज़िलहज, और इसी दिन ये बकरी ईद 3 दिन की होती है, ईद बासी तिवासी 3 दिन कुर्बानी होती है और 3 दिन हज के अरकान पूरे चलते हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान मक्का शरीफ जा कर के जो हज करने के लिए जाते हैं तो इसी महीने में जाते हैं। दरम्यान अब्दुल बाबा यांनी बकरी ईद निमित्त सर्व शहरवासियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब तमाम शहरवासियों को ईद उल अज़हा यानी कि बकरी ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद साजरी करत असताना सर्वांनी शासनाने आखून दिलेल्या कोरोना निर्बंधांचे पालन करावे, तसेच पावसामुळे ज्यांच्या घरात पाणी शिरले आहे त्यांची योग्य प्रकारे सर्वांनी काळजी घ्यावी असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले। आज बकरी ईद के ऐसे मौके पर बारिश काफ़ी ज़ोरों से है, जिसकी वजह से बहुत सारे गरीब घरों में गुरबाओं के पास ज़्यादा सहूलियत ना होने की वजह से वो ईद की खुशी नहीं मना पा रहे, तो जो लोग उनकी दुख के समय आज खुशी के दिन है और उनके घर दुख है, जिनके घर स्लम एरिया में पानी भर गया है, तो कोशिश करिए कि अगर आप कुर्बानी करते हो तो उनके घर तलक का पहुंचाने की कोशिश करिए, उन लोगों की ज़रूरत का ख्याल रखिए। ईद के सही मायने यही है कि आप अपनी खुशी में दूसरों को शामिल करिए और उनकी छोटी छोटी खुशियों में हिस्सा लेने की कोशिश करिए, जिससे अल्लाह उसका रसूल खुश हो जाए। और मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से पूरे शहर वासियों को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और गुजारिश करता हूं कि जो हमारे देश की गवर्नमेंट का रूल्स बनाया हुआ है उस रूल्स के हिसाब से ही कुर्बानी करेंगे, उस रूल्स के हिसाब से ही बाहर निकलेंगे, हर जगह मास्क लगा के निकलेंगे। मैं इस वक्त मास्क नहीं लगाया हूँ इसलिए कि मैं अपने घर बैठ कर के आपको बता रहा हूँ, तो मास्क नहीं लगाया हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आप मास्क नहीं, मास्क मुझे भी लगाना है और आपको भी लगाना है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के निकलिए, लोगों से दूरियाँ रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, जो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको बराबर से आप अपनाने की कोशिश करिए, कानून के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करिए, कानून को हाथ में लेने वाला काम नहीं करिए, किसी से बदतमीज़ी नहीं करिए, इस सब चीज़ का ख्याल रखिए। ईद के टाइम बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है जिससे बाद में हम लोगों को पछतावा होता है, तो कोशिश करिए कि ईद में कोई हमें कोई बात ना बोले, हम किसी की ना सुने, हम ऐसा ही कोई काम नहीं करें कि किसी को हमें दो बात बोले, इस चीज़ का ख्याल रखिए। और फिर एक बार सबको हैप्पी ईद, बकरीद मुबारक हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन टीवी न्यूज़। या होता इंडियन टीवी न्यूज। तुम्हाला आमच्याशी संपर्क करायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकता, 9320420420। तर आता वेळ झाली आहे निरोप घेण्याची, उद्या पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी, तोपर्यंत धन्यवाद।